नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आपके किसी भी व्हीकल का ई चालान 500, 1000, 2000 या फिर 5000 रुपए का हो जाता है तो उस ई चालान को आप 100-200 रुपए में किस प्रकार से भर सकते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पहले मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा था, पर दोस्तों उस वीडियो पे आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें कि कोई कोई ये कह रहा था कि ये फाइन है, ये जो 100-200 रुपए का हम फिलअप करते हैं ये फाइन है, ओनली ई चालान पे नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ स्लिप भी दिखाऊंगा कि मैंने जो पहले ई चालान को 100 या 200 रुपए में फिलअप किया हुआ है उसकी लाइव प्रूफ आपको इसमें स्लिप भी दिखाने वाला हूँ, और कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ पे करके भी दिखाऊंगा, जो कि 500 या 1000 रुपए का जो ई चालान होगा उसे 100 या 200 रुपए में जो भी अमाउंट आएगा उसे पे करके भी आप इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो किस प्रकार से हमको ई चालान 500 वाला, 1000 रुपए वाला, 100 या 200 रुपए में किस प्रकार से पे करना है, कंप्लीट प्रोसेस लाइव प्रूफ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है वी कोड लिख करके आप सर्च करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि यहां पर आप देख सकते हैं वर्चुअल कोड। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप वर्चुअल कोड की ऑफिशियल पोर्टल पर आप आ जाएंगे। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटल योर केस ऑनलाइन ऑन वर्चुअल कोड। आपका कोई भी केस हो वो आप वर्चुअल कोड से ही सेटल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर, CNR नंबर, पार्टी नेम और चालान और व्हीकल नंबर। सिंपली यहाँ पर आपको चालान व्हीकल नंबर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अगर आपके पास चालान नंबर है तो चालान नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और चालान नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड 5, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल चालान जो है वो 500 हो करके आ रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 में प्रोसीज्ड ऑफ द चालान इज नॉट येट टू बी कम्प्लीटेड आ रहा है। मतलब कि अभी जो 4 चालान हैं इनके प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, अभी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, पर यहाँ पर एक चालान कम्प्लीट हो चुका है तो उसका मैं यहाँ पर आपको शो कर करके दिखा देता हूँ। पर उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो भी पहले चालान फिलअप किए हुए हैं वो इनके कम्प्लीट हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग वीडियो पर कमेंट्स करते हैं कि जो 500 रुपये का चालान है वो 100 रुपये में फ़िलअप नहीं हो पाता है, या फिर 1000 रुपये का चालान है वो 200 रुपये में फ़िलअप नहीं हो पाता है, या फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये केवल फ़ाइन है, चालान फ़िलअप नहीं हो पाता है, या फिर आपका चालान डिस्पोज नहीं हो पाता है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखेगा और लास्ट तक जरूर देखेगा फ्रेंड्स। आगे मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि 500 रुपये का जो चालान है उसे आप 100 रुपये या 200 रुपये में किस प्रकार से भर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि जो पहले मैंने 100 रुपये में चालान भरे हुए हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं। अब फिर से आपको गूगल पर आना है और वहाँ पर आपको ई चालान लिख करके सर्च कर देना है, और यहाँ पर आपको ई चालान स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। ई चालान स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चालान नंबर डालना है, व्हीकल नंबर डालना है, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है, और कैप्चा फिलअप करके गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस तरीके से अपना चालान चेक नहीं करना चाहते हैं, आप मोबाइल फ़ोन की मदद से सिर्फ एप्लीकेशन को यूज़ करके ही चालान चेक करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से सिर्फ गाड़ी नंबर डाल करके ही किसी भी गाड़ी का ई चालान को चेक कर सकते हैं, और उसके साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो ई चालान है वो वर्चुअल कोड में पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है,
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। बट मैं यहां पर आपको डिटेल्स के लिए इस प्रोसेस से भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप इस प्रोसेस से अपने ई चालान को चेक कर सकते हैं। और मैं यहां पर आपको ये भी बता रहा हूं कि जो मैंने 500 हजार रुपये के चालान 100 या 200 रुपये में फिलअप किए हुए हैं वो डिस्पोज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। व्हीकल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर आपको इंजन नंबर या चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पर आपको डाल देने हैं। लास्ट के 5 डिजिट डालने के बाद मैं यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर चालान सभी खुल करके आ जाएंगे। जितने भी चालान इनकी गाड़ी पर हुए हैं सभी चालान यहाँ पर शो होकर के आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल चालान 23 शो होकर के आ रहे हैं। बट यहाँ पर आपने जैसा कि देखा हुआ था वर्चुअल कोड में इनके केवल 5 चालान शो होकर के आ रहे हैं, जो कि अभी जो पेंडिंग चालान है इनके 5 ही चालान वर्चुअल कोड में पहुँचे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एज अ प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर पहले जो वीडियो बनाई हुई थी जिस पर मैंने पहले से 100 या 200 रुपये में चालान को फिलअप किया हुआ था उनका स्टेटस यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो चालान है महेश शर्मा के नाम से जो चालान है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/7/2021 का इनका चालान है। और यहाँ पर देख सकते हैं 50 रुपये का इन्होंने चालान फिलअप किया हुआ है डिस्पोज वर्चुअल कोड, वर्चुअल कोड से इन्होंने चालान को फिलअप किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो चालान की स्लिप है वो यहाँ पर शो होकर के आ गई है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूशन ऑफ पार्किंग रूल्स, इनका जो फाइन था वो 500 रुपये का था बट इन्होंने जो चालान को पे किया हुआ है वो केवल 50 रुपये का ही चालान पे किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राप्त धनराशि 50 शब्दों में, और यहाँ पर इनवर्ट्स में देख सकते हैं 50 रुपीस ओनली। और उसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका राजकोष का चालान डिटेल्स भी दी हुई है। इन्होंने यहाँ पर जो चालान पे किया हुआ है वो वर्चुअल कोड के माध्यम से ही पे किया हुआ था, जो कि 500 रुपये का इनका चालान था वो केवल 50 रुपये में इन्होंने फिलअप किया हुआ है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी गाड़ी के नंबर के बारे में आपको दिखा देता हूँ कि एक गाड़ी का और भी मैंने चालान को फिलअप किया हुआ था, जो भी वो भी वर्चुअल कोड से ही फिलअप किया हुआ था, उनकी भी मैं यहाँ पर आपको स्लिप लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, जिसमें कि काफ़ी लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो नेगेटिव कमेंट ना करें, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों मैंने एक गाड़ी के और चालान को ओपन कर लिया है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रसीद संख्या शो होकर के आ रही है और प्रिंट की डेट भी यहाँ पर शो होकर के आ रही है, जो कि यहाँ पर 7/11/2023 की प्रिंट डेट है, यानी कि आज की यहाँ पर प्रिंट डेट शो होकर के आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर आज ही प्रिंट इसका किया हुआ है। यहाँ पर आप पेमेंट की डेट देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैं आपको ई चालान नंबर शो करके दिखा दे रहा हूँ, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 75306 इसका ई चालान संख्या है लास्ट का, और यहाँ पर ई चालान की डेट भी दी हुई है। उसके साथ में यहाँ पर व्हीकल नंबर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूशन ऑफ पार्किंग रूल्स, जिसमें कि यहाँ पर फाइन जो इनका था 500 रुपये का चालान था, जो कि इन्होंने कितने रुपये में फिलअप किया हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स को भी देख सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे, यहाँ पर पेमेंट इन्होंने किस प्रकार से किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल कोड, और यहाँ पर ये प्राप्त धनराशि जो कि 100 रुपये में इन्होंने चालान को फिलअप किया हुआ है, और ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने किया हुआ है, जिसमें कि इनका जो चालान 500 रुपये का था वो इन्होंने 100 रुपये में फिलअप किया हुआ है। इसके साथ में मैं एक और चालान इनका दिखा देता हूँ, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने जो चालान नंबर खोला हुआ है वो 52330 लास्ट में है, यानी कि 52330 है। उसके साथ में यहाँ पर इनकी पेमेंट डेट भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूशन ऑफ पार्किंग रूल्स, ये भी इनका 500 रुपये का चालान था, और इन्होंने ये भी चालान 100 रुपये में इन्होंने फिलअप किया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, वर्चुअल कोड से ही किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको जो इनका ये जो चालान है ये आपको ऑनलाइन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इनका डिस्पोज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट 100 रुपये, स्टेटस डिस्पोज्ड, और कहाँ से पेमेंट सोर्स क्या है वर्चुअल कोड। यहाँ से जो इनका 500 रुपये का चालान था वो 100 रुपये में डिस्पोज हो चुका है। बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप चालान को फिलअप करते हैं 500 वाले चालान को 100 रुपये में 200 रुपये में फिलअप करते हैं तो उसको डिस्पोज होने में उसका जो स्टेटस होगा उसको शो होने में टाइम लग सकता है आपका, 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन में भी डिस्पोज हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आज ही आपने चालान को फिलअप किया हुआ है और आज ही आपका चालान डिस्पोज होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 से 15 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको 1000 रुपये का, 500 रुपये का या 2000 रुपये का चालान को 100 या 200 रुपये में या फिर 50 रुपये में किस प्रकार से आपको भरना है।
तो यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डालना है, अगर आपके पास चालान नंबर है तो चालान नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी वर्चुअल कोड में चालान पहुँचे होंगे सभी चालान यहाँ पर शो हो करके आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके कुछ चालान शो कम हो रहे हैं तो किस प्रकार से आपको चेक करना है, वर्चुअल कोड में पहुँचा नहीं पहुँचा है वो किस प्रकार से चेक करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से चालान को फिलअप करना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पाँचवें नंबर पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केस नंबर शो होकर के आ रहा है, चालान नंबर शो होकर के आ रहा है और यहाँ पर नाम पार्टी का नाम भी शो होकर के आ रहा है, जिसमें कि मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। व्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट चालान की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, CNR नंबर देख सकते हैं, चालान नंबर भी देख सकते हैं और चालान कब हुआ है उसकी डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब कम्प्लीटली डिटेल्स यहाँ पर शो होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो चालान है वो 100 रुपये का फाइन यहाँ पर शो होकर के आ रहा है। अब पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इनका जो ये चालान है वो एक्चुअल में कितने रुपये का हुआ था। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं इनका जो चालान के लास्ट के 5 डिजिट हैं वो यहाँ पर 15825 शो होकर के आ रहा है और चालान डेट 4/1/2023 आ रही है। अब मैं ई चालान की वेबसाइट पर जाता हूँ। ई चालान की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। कंप्लीट डिटेल्स फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चा फिल करके गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चालान की डिटेल्स भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 15825 है जो कि मैंने यहाँ पर आपको अभी दिखाया हुआ था, 15825, और यहाँ पर भी 15825 देख सकते हैं। चालान की डेट 4/1/2023 देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4/1/2023 चालान डेट देख सकते हैं। मतलब कि जो चालान यहाँ पर शो होकर के आ रहा है वही चालान यहाँ पर वर्चुअल कोड में शो होकर के आ रहा है। यहाँ पर चालान देख सकते हैं अमाउंट 1500 रुपये का है, पेंडिंग स्टेटस यहाँ पर शो होकर के आ रहा है और पेमेंट अभी यहाँ पर नहीं हुआ है। और यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे तो वही वर्चुअल कोड का चालान शो करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो 1500 रुपये का चालान है वो वर्चुअल कोड में केवल और केवल 100 रुपये का शो होकर के आ रहा है। मतलब कि आपको 100 रुपये में ही चालान को फिलअप कर देना है और आपका चालान डिस्पोज हो जाएगा। मतलब कि 1500 रुपये का चालान 100 रुपये में आप फिलअप कर सकते हैं। किस प्रकार से फिलअप करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई पेमेंट और यहाँ पर देख सकते हैं चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि यहाँ पर आई विश टू पे द पर्पस फाइन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो करके आ जाएंगे। सिंपली आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, कोई और मोबाइल नंबर है आपके पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई नेम और मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट, आई विश टू पे द फाइन बाई वेरीफाइंग इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर। आप इंजन नंबर चेसिस नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपका नाम और मोबाइल नंबर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर नेम आ जाएगा, चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पर आपको डालने होंगे या फिर यहाँ पर आपको इंजन नंबर के लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पर आपको डालने होंगे। तो मैं यहाँ पर इंजन नंबर या चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पर डाल देता हूँ। इंजन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालने के बाद में यहाँ पर आपको पेई का नाम यानी कि जो ऑनर नेम है वो यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर जो भी पेमेंट कर रहा है उनका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। पेई नाम डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सिंपली आपको जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद में सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद में सिंपली आपको एक्सेप्ट एंड पे पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट राजकोष की ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू राजकोष .up.nic.in, योर चालान नंबर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड, क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। यहाँ पर आपका चालान नंबर शो होकर के आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। इस विंडो को क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन योर ई पेमेंट। अब यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, डिपॉजिट नेम आ जाएगा, चालान नंबर आ जाएगा, चालान डेट आ जाएगी और यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल्स शो होकर के आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ चालान, मतलब कि आपको 100 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है, जिसमें कि यहाँ पर आपको प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, SBI नेट बैंकिंग की आप ऑफिशियल पोर्टल पर आप आ ही जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आपको UPI करना चाहते हैं तो UPI कर सकते हैं, नेफ्ट करना चाहते हैं तो नेफ्ट कर सकते हैं या फिर स्टेट बैंक
डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से, जैसे भी आपको सही लगे उसी तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी साइबर ट्रेजरी, यहाँ पर मैं UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद नेक्स्ट पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स शो करके आ जाएगी, जिसमें चालान नंबर अमाउंट कंप्लीट डिटेल्स शो होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर QR कोड पर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये यहाँ पर शो होकर के आ रहा है और यहाँ पर हम 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही ऑटोमेटिक आपकी रिसिप्ट शो होकर के आ जाएगी, जिसकी जो कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी और उस स्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस प्रकार की आपकी स्लिप डाउनलोड होकर के आ जाएगी, तो उस स्लिप को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ई चालान कंपाउंडिंग फीस डिपॉजिट रिसिप्ट, आपकी जो रिसिप्ट होगी वो कुछ इस प्रकार की शो होकर के आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर जो फाइन 500 रुपये शो होकर के आ रहा है वो 1500 रुपये शो होकर के आएगा और यहाँ पर जो 100 रुपये शो होकर के आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 100 रुपये फिलअप कर रहे हैं तो 100 ही रुपये शो होकर के आएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है, पेमेंट करने के बाद में आपका जो ई चालान होगा वो 1500 वाला ई चालान 100 रुपये में फिलअप होकर के आ जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि उन्होंने चालान तो पेमेंट कर दिया है पर उनका जो चालान स्टेटस है ऑनलाइन वो चेक करते तो वो स्टेटस उनका डिस्पोज शो करके नहीं आता, उनका पेंडिंग ही शो करके आता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आज आपने ई चालान का पेमेंट किया हुआ है, उस ई चालान का कंप्लीट होने में 15 से 20 दिन या फिर महीना भर भी लग जाता है, जिसमें कि चालान जो डिस्पोज होगा वो 15 से 20 दिन में डिस्पोज हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो जो आप ऑनलाइन चालान पे करते हैं उसकी रिसिप्ट आपको मिल ही जाएगी, उसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं कि हमने जो चालान है वो चालान पे कर दिया है, बट ऑनलाइन जो है वो शो करके नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ई चालान का पेमेंट कर देना है, डिस्पोज ऑटोमेटिक हो ही जाएगा 15 से 20 दिन में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप 1000, 2000, 500 या फिर 1500 रुपये का ई चालान 100, 200 या फिर 50 रुपये में भी फिलअप कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दे चुका हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।